तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि केवल आप अपना खाता नंबर डालकर यहाँ पे अपने बैंक का बैलेंस चेक कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूँ कैसे कैसे क्या करना होगा, आप पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो आज दोस्तों हम देख लेते हैं कैसे अपना खाता नंबर से अपना बैंक बैलेंस वगैरह देख पाएंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैं इसी तरह की बैंकिंग की हर एक जानकारी हर एक न्यूज वगैरह लेकर आता रहता हूँ। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट रहे आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपने खाता नंबर के थ्रू अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आजकल जनधन के पैसे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे उज्ज्वला योजना का पैसा आ रहा है, बहुत सारी पेंशन वगैरह आ रहे हैं। तो आए यहाँ पे देख लेते हैं कि मतलब कुछ अपने खाता नंबर से कैसे अपने कुछ खाते के यहाँ पे डिटेल देख पाएंगे। तो आए यहाँ पे साइड में लगाएंगे स्क्रीन और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे साइड में स्क्रीन लगा दी। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अपना ब्राउजर ओपन करना होगा जिसका नाम है क्रोम। क्रोम ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे जो थ्री लाइनिंग कॉर्नर पे दिखा रहा है ना, इस पर क्लिक करके और यहाँ से पहले डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट करेंगे ना तो अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, जब ऐसा कुछ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सरकारी वेबसाइट है जिस पे यहाँ पे जो सरकारी पैसों की लेन देन होती है वहाँ पे खाता नंबर डालकर हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो सिंपल है, ब्राउजर हमको लिखना होगा PEFMS। ठीक है, PEFMS यही लिख के सर्च करना होगा। जैसे यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो आपके क्रोम ब्राउजर में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, नो योर पेमेंट, यहाँ पे दिख रहा है ना नो योर पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर नया वाला इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे साइट ओपन होगी। साइट थोड़ा लोडिंग लगेगी क्योंकि बड़ी साइट है, इसके हेल्प से हम सारा कुछ चेक कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं साइट ओपन हो रही है और यहाँ पे जैसे ही ओपन होगी इसके बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पे साइट पूरा अच्छे से ओपन हो गई देख सकते हैं हम। आइए यहाँ पे कुछ डिटेल हमको देना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको बैंक का नाम देना होगा। ठीक है, तो हम नाम देते हैं, जैसे मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो हम यहाँ से देते हैं पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे है देख लीजिए, मैंने दे दिया पंजाब नेशनल बैंक। अब हमारा मांग रहा है इंटर अकाउंट नंबर, आइए यहाँ से अकाउंट नंबर दे देते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे अपना अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं। जैसे मेरा अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे मैं कुछ सीक्रेट तरीके से यहाँ पे भरा जाता है, दोस्तों यहाँ पे मैं छुपा दे रहा हूँ। तो आइए हम ऐसे भर देते हैं अपना खाता नंबर, आप भी भर दीजिएगा। तो यहाँ से मेरा हो गया जो मेरा खाता नंबर, ऐसे मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं फिल करके पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैंने भर दिया और उसके बाद कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, एक बार और ही अकाउंट नंबर आपको देना होगा। ठीक है, तो फिर से हम दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको कैप्चा कोड भरना होगा। कैप्चा कोड क्या होता है बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि कैप्चा कोड जब अच्छे से भरेंगे तभी आप बैलेंस चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो कोड दिखा रहा है ना, जो लिखा है 58, फिर यहाँ पे फिर 1 है, फिर F है, फिर 8 है, इसी को कैप्चा कोड कहते हैं। ठीक है, आ इसको भरते हैं, सबका अलग अलग होगा। मेरा A दिखा रहा है तो आपको कुछ और होगा, तो हम भर देते हैं 58 1 F 8। ठीक है, यही है, हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। आपके सामने साइट वगैरह है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे खाते की जानकारी है, यहाँ पे कितना बैलेंस वगैरह आया, कैसे कैसे क्या अमाउंट आ गया, सक्सेस आ गया, किस डेट को आया, मतलब अपने खाते नंबर से अपना डिटेल चेक कर लिए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या दिखाता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई पेंशन आती है या आपका यहाँ पे सब्सिडी वगैरह आती है, जो कुछ भी आता है सरकारी पैसा आता है, तो आप यहाँ से आसानी से अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर भी नहीं बैंक में लिंक है या आप अपने बैंक नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से, और आप अपना पासबुक वगैरह नहीं प्रिंट करा पाते हैं, आपको चेक वगैरह करना है, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह आपका, मतलब कोई भी माध्यम ना हो तो इस माध्यम से आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट से जाकर कि हमारा सरकारी पैसा या जो भी पैसा आया है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप चेक कर पाओगे। अगर आपको चेक करने में कहीं कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा फ्रेंड। तो कैसी रही वीडियो, प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।